हो जीवन, खुशियाँ हो रोज, मुबारक हो आपको पर्व करवा चौथ। मैंने तो अपने पुराने सिक्का मेहंदी लगाई है, ये सबसे बेस्ट। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और यहाँ पे हमारे भाई साहब उठ भी गए, स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो गए और अभी ये आज के पेपर की तैयारी कर रही है। इसके है आज इंग्लिश का पेपर, है ना किसु? हाँ। तैयारी हो गई फुल? ठीक है, अभी स्कूल जाने में टाइम बाकी है, तब तक और पढ़ाई कर लेगी। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव ईसा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बस अभी बच्चे रेडी तो हो चुके हैं लेकिन अभी उनके स्कूल जाने में थोड़ा टाइम बाकी है और अभी बज रहे 10 और ये देखिए 10 बजे में कितनी तेज़ धूप आ गई है और मैं आई हूँ ये कपड़े सुखाने के लिए। तो पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ और फिर बनाते हैं लंच। तो फिलहाल बच्चे भी स्कूल चले गए और यहाँ पे हमारा लंच भी हमने बनाकर रेडी कर दिया। हमने बनाई पत्ता गोभी की सब्जी, गट्टे की सब्जी, साथ में नमकीन चावल और मिर्ची का कूटा। तो बस चपाती बनाना बाकी थी तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ चपाती। और आज हमारा जो सफाई अभियान है वो हमने शुरू ही नहीं किया। वैसे तो हमारे घर की ऑलमोस्ट साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अब जो थोड़ी बहुत सी बची है वो हमें हेल्पर के साथ में मिलकर करनी पड़ेगी। तो आज हमने हेल्पर को बुलाया था लेकिन वो लोग आए नहीं, तो इसलिए हमारा जो सफाई अभियान है वो आज शुरू ही नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भी भोजन कर रहे हैं और मासी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मासी गई हुई है नीचे अंडरग्राउंड में। जो हमारे डेली हेल्पर आते हैं वो आज अंडरग्राउंड में से झाड़ू निकाल रहे हैं, तो मासी ने सोचा चलो मैं वहाँ से थोड़े बहुत से जाले ले लेती हूँ तो अंडरग्राउंड की भी दिवाली की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो और बच्चे तो अब लेट आएंगे तो मैं सबके लिए चपाती बना के रख दूँगी। नाश्ता हमने कुछ नहीं बनाया था, जो ये नमकीन चावल बनाए बच्चे वो थोड़े थोड़े से चावल खाकर स्कूल चले गए। तो चपाती तो मैंने बना ली लेकिन मासी अभी अंडरग्राउंड में ही है तो उसे बुलाकर लाते खाना खाने के लिए। कितना बाकी रहा मासी अब? बस आधा, आधा मैंने निकाल दिया, कचरा इतना बाकी। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। ये हमारे राधा बहन जो अभी दिखाई नहीं दे रहे तो मासी को भी बुलाकर लेके आते हैं। अब हम लोग करेंगे भोजन और यहाँ पे गैस हमारा अभी तक चालू है, कुकर में रखे हुए हैं मकई बॉइल होने के लिए। तो हम लोग खाना खाएंगे, तब तक इसमें जो मकई है वो भी बॉइल हो जाएगी। तो हम लोगों ने भोजन किया, तब तक ये देखिए मकई भी बॉईल हो गई। मासी मकई देखकर सबसे ज़्यादा किसु खुश हो जाएगी, किसु की फेवरेट मकई है। फेवरेट तो खाना भी बना और सब्जी और मकई दोनों है। तो अभी 4 बज रहे हैं और ये देखिए आज 4 बजे में तूफान आने लग गया। सच में मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुबह में तो इतनी अच्छी धूप आ रखी थी और 4 बजे में इतना मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना तेज़ तो तूफान आ रहा है और इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं तो आराम से सो रही थी, बादलों की आवाज़ से मैं उठी, फटाफट से छत पे गई, जो सुबह में सारे कपड़े सुखाए थे वो लिए और स्लाइडर और दरवाजे बंद करके जस्ट अभी नीचे आई हूँ। अगर कल भी ऐसा मौसम रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए, क्योंकि कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ का चांद देकर ही हम लोग खाना खाते हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन अभी तो चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय और मासी बना रही है बारिश के साथ और ये देखिए बारिश भी कंटिन्यू आ रही है। तो फिलहाल चाय तो हम लोगों ने पी ली और नाश्ता आज कुछ बनाना है नहीं क्योंकि दोपहर में वो मकई बॉइल करके रख दी थी और बच्चों ने भी लेट खाना खाया। और ये रहे हमारे किसु भाई साहब, जॉब करेंगे, ट्यूशन जाने की तैयारी। आज इसके इंग्लिश का पेपर था, है ना किसु? हाँ जी, इसके बहुत अच्छा गया। पहले तो डर रही थी लेकिन जब पेपर करके आई गई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब कितने पेपर बचे? 2। अब बहुत खुश हो रही है, अब खाली मेरे 2 पेपर बचे, फिर छुट्टियाँ। तो बस अब मेरे धोने हैं बर्तन तो मैं पहले वो धो लेती हूँ। तो फिलहाल बर्तन भी मैंने धो दिए और यहाँ पे हमारा डिनर भी बन गया है। डिनर में हमने बनाई है दाल सिंपल सी और साथ में बनाएंगे
साथ में बनाइए बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छा है। अपनी देसी मारवाड़ी लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं बाजरी का होगरा। और शाम के दिया बत्ती भी कर दिए मासी ने। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। तो बस मैं अब करूंगी इन कपड़ों के आयरन। फोल्ड तो मैंने कप के करके रख दिए। और बाहर जो तूफान और बारिश आ रहे थे वो भी अब रुक गए। कल तो इस टाइम बारिश और तूफान आना स्टार्ट हुए थे और आज तो इस टाइम आकर भी चले गए। तो बस अब कपड़े फटाफट से आयरन कर लेती हूँ क्योंकि काम फ्री करके फिर मेहंदी भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने कर ली है कल की तैयारी। ये देखिए करवा चौथ स्पेशल, हमने हमारी थाली भी निकाल दी पूजा की। तो फाइनली यहाँ पे हमारे मासी जी ने करवा चौथ की मेहंदी लगा ली है। मेरे तो अभी लगाना बाकी है। मैंने तो अपने पुराने सिक्का मेहंदी लगाई। ये सबसे बेस्ट है। मैंने पीछे भी ऐसा ही बनाया। सही है ये। टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब मैं भी लगा लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं भी लगा लेती हूँ मेहंदी और हमारे आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारा हो जीवन खुशियाँ हो रोज, प्यारा हो जीवन खुशियाँ हो रोज, मुबारक हो आपको पर्व करवा चौथ। तो बस इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। राधे राधे।